हम लोग अंदर एंटर हो चुके हैं। वो 5 in 3 5 सबसे बड़ा होटल है ये, यहाँ पे इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, तो जाहिर है छोटी बात नहीं। जब हम दूसरी जगह पे आ रहे हैं तो ये चेक कर लो, हम लोग अंदर की साइड जा रहे हैं। तो भाई कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपको वेलकम बैक हो गया न्यू वीडियो के अंदर। मैं आज आया हुआ हूँ दुनिया के सबसे बड़े होटल के अंदर, जिसके अंदर मतलब दुनिया का सबसे बड़ा होटल तो बुर्ज खलीफा है, लेकिन ऐसा होटल जिसके अंदर 7,351 कमरे। भाई इतना बड़ा लार्जेस्ट अमाउंट है कि ये 7 होटल जो है ना वो मिल के बने हुए। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ दिखाने। चलिए हम लोग उतर चुके हैं और आप लोग चेक कर सकते हो भाई, ये होटल है भाई। ओ, 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 ओ भाई क्या बताऊँ, 8,000 कमरे इस होटल में भाई। इतना बड़ा स्ट्रक्चर पे बना हुआ है, इतना बड़ा इसका वो है। ये देखो भाई होटल फर्स्ट वर्ल्ड। हम लोग अंदर एंटर हो चुके हैं। ओए 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 क्या होटल लग रहा है भाई। मैंने तो चश्मा उतार दिया, मैंने कहा भाई ऑफिशियल कलर देख रहा हूँ, तो वो चश्मा में थोड़ा ब्राउन देख रहा हूँ। ये देखो भाई 1735 इतना बड़ा होटल है यार। मुझे पहले लगा 8,000 कमरे, लेकिन 7351 भी कम नहीं होते भाई। इतने बड़ा होटल है, अरे मैंने सुना था 6,000, फिर मैंने सुना 8,000 वो भी कहा हमारे ड्राइवर से, लेकिन अब पता चला 735 मैंने, क्योंकि मैंने ऑफिशियल देख लिया। देखे हैं यहाँ का पूरा जो इन्होंने पूरा लोग, एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, लग रहा होगा भाई ये एयरपोर्ट में मतलब लगेज की लाइन में लगे हुए हैं लोग। अबे भाई ये इतने बड़े होटल की लाइन है भाई, इतने लोग हैं यहाँ पे क्या। आपको लग रहा होगा ये एयरपोर्ट है, लेकिन भाई ये होटल है। अगर बंदा देखे ना इतनी लाइन में, सामने देखो पूरा इतने सारे तो काउंटर बने हुए, तकरीबन 50 काउंटर बने हुए होटल के। स्काई कैसीनो, तो आप लोग एक चीज़ दिखा रहे हो, ये देखो इस होटल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी टाइटल मिला है, लार्जेस्ट होटल का। ये देखो क्या लिखा हुआ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट द लार्जेस्ट होटल इज द फर्स्ट वर्ल्ड होटल मलेशिया विद 7351 ऑपरेशनल रूम्स एट रिजॉर्ट वर्ल्ड चेंटिंग इन पहंग दरुल मकमूर मलेशिया एज ऑफ 20 जून 2015। अभी हम सोच रहे हैं कि कॉफ़ी वॉफी पी लें, हम लोग आ गए। सारी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, डाइनिंग भी पूरा होटल मतलब बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है भाई यहाँ का। ये दूसरा ब्रांड है तुम वो तो चाइनीज ब्रांड लग रहा है मेरे को भाई। ये है पूरा एक होटल है, सारा जूस सारी चीज़ें रखी हैं। अरे मैं मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं हुआ, मैंने फर्स्ट टाइम ये ब्रांड देखा है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। कुंग टोंग पता नहीं क्या नाम है, तो नाम भी याद नहीं, क्या नाम है इसका, कुंग को टोंग तो दिया हुआ है कि भाई लेवल 4 पे क्या है, स्काई मेन्यू रेस्टोरेंट कैफे जनबास हाई लाइन हवाना स्काई वे लेवल 3 पे स्काई मेन्यू फैशन एंड लाइफ स्टाइल का है। से इधर आ गए मतलब होटल के, ये सारा मैं होटल का ही दिखा रहा हूँ भाई। देखो कितना बड़ा होटल बना हुआ है यार, मतलब मैं ज़िंदगी में इतना बड़ा होटल मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। यहाँ के लोगों ने भी इतना बड़ा होटल नहीं देखा होगा, क्योंकि भाई दुनिया का सबसे बड़ा होटल है ये, यहाँ पे इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, तो जाहिर है छोटी बात नहीं है भाई, बहुत अच्छा होटल बना हुआ है। ये देखो भाई फुल आतिक भाई कैसा मज़ा आ रहा है भाई फुल बेहतरीन चल रहा है सीन यहाँ पे, डिजिटल स्क्रीन चल रही है देख रहे हो। यहाँ पे मेरे ख्याल से कॉन्सर्ट वगैरह जो भी है, ऑडिटोरियम टाइप जिसका हर चीज़ होती है, ये देख सकते हो। ये कार्स लगी हुई है, 1 2 3 HR भी है, मर्सिडीज है, और सामने शायद वो है सिविक। फुल मजे आ रहे हैं यहाँ पे। तो भाई मलेशिया आप आओ, मलेशिया घूम लो भाई, यहाँ पे इतनी प्लेसेस हैं घूमने के लिए, आपको मज़ा ही आ जाए भाई समझो। ये जो होटल्स हैं ना, टोटल 7 होटल्स हैं इकट्ठा ना इकट्ठा, और ये एक ही बंदे के भाई। इन बंदे की हिस्ट्री अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो मतलब इन्होंने पहले एक रूम लिया था, मतलब जैसे कि हमारे मरी वगैरह में होता है ना कि भाई टॉप साइड होती है, हिली एरियाज होते हैं तो सर्दी होती है, तो इस वजह से लोग आते हैं बस ऐसे एक्सप्लोर करने आते हैं। तो इस बंदे के पास सिर्फ एक कमरा था, उसके बाद से इसने जो पूरा होटल खड़ा कर दिया भाई, मतलब बिल्कुल ही अलग ही स्टोरी है भाई, स्टोरी बेहतरीन है। देखो जब हम दूसरी जगह पे आ गए
तो ये चेक करो, हम लोग अंदर की साइड जा रहे हैं भाई साहब। भाई यार हर जगह का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही अलग भाई। न्यूयॉर्क वाली फीलिंग आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों। यहाँ पे मैं न्यूयॉर्क गया नहीं हूँ, लेकिन न्यूयॉर्क जितनी वीडियोस देखी ना, न्यूयॉर्क वाली फीलिंग आ रही है भाई। क्या अलग ही मज़ा है यार। आप मैं तो बोल रहा हूँ मलेशिया घूमने आओ, यहाँ पे जो चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए है ना, बहुत टाइट चीज़ें हैं भाई, बहुत अच्छी चीज़ें। ये देख सकते हैं हम लोग, अभी हम लोग बस एक्सप्लोर कर रहे हैं, हर चीज़ देखे जा रहे हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे बंद भी हो गई है, लेकिन कुछ चीज़ें इधर से ये है अभी ऑफ हो गए। यहाँ पे सारे स्विंग्स टाइप आ गए, झूला आ गए, ये सारे मतलब बहुत लोग हैं भाई, बहुत लोग हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये सारा एक ही बंदे का, एक सेंटोसा है सिंगापुर में जिसमें यूनिवर्सल स्टूडियो वगैरह सी, सब सब एक ही बंदे का, एक ही चाइनीज का, एक ही चाइनीज बिजनेस है। यहाँ पे आए हैं, हमने इनको बोला, बोल रहा है कि ना आपको इस तरह बॉल मारनी पड़ेगी कि इधर से लग के इधर जाए, तो मैं आपको प्राइस दूंगा। पिन क्रेजी है ये, बहुत खतरनाक लगता है। अलादीन में होता था पहले, लेकिन अब तो नहीं हो रहा, अलादीन अब तो टूट गया। राइट एम रॉन्ग, ये देखें मून बनी। मुझे तो हर चीज़ ब्राउन ब्राउन नज़र आ रही थी, मैं पहना ही ब्राउन चश्मा इस बार से। टी कप झूला है ये, आप जो हम लोग अलादीन में झूले, तो हम लोग मैं बड़े शौक से घूमता था ये झूला टी कप, अब तो अलादीन रहा ही नहीं। तेरा हमें मैप मिल गया है, वो बता रहा है आप यू आर हियर। अब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो आप ये चीज़ें मतलब सारी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये पूरा एक तरह से मैप दिया हुआ है आपको ना, स्काई ट्रॉपोलिस का, इन दो तीन पाल गए। तो भाई हम लोग पहले जा रहे थे आगे, लेकिन हम लोगों ने कहा अब नहीं जाओ क्योंकि राइड वगैरह सारी चीज़ें बंद है, तो इसलिए हमने कहा फ़ायदा तो है नहीं। फिर नहीं यार, मेरा नहीं दिल चाह रहा है। हम लोग बस अब जा रहे हैं वापसी की तरफ, ये बहुत बड़ा है एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत ही बड़ा, बहुत बड़े रकबे पे बना हुआ है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ कसीनो, ये देखो इसका है कसीनो। अभी चल के मैं तो सोच रहा हूँ अंदर जाके देखूँ तो भाई क्या होता है, किस तरह जुआ खेलते हैं लोग। तो हम नहीं जा रहे यहाँ पे इसका है कसीनो, बूट की शॉप पे आए हैं। ये कितने रिंगिट का है, 199 रिंगिट। ओह इतनी बड़ी शॉप है, टोमेस। अब पता नहीं इसको, मेरा ख्याल तो यही है, मैंने शायद प्रोनाउंसिएशन सही करी, बाकी देखते हैं अल्लाह मालिक है। 99 रिंगिट। कौन सा शूज़ मंगवाया आपने? आज ही में आ गया तो ये दोनों शूज़ मंगवाए। इज इट 40? या वेयर द सेकंड वन, वेयर द सेकंड वन, द वाइट वन। मैं लोगों ने शूज़ मंगवाए हैं। क्या कितनी प्राइस है इसकी? पागल बनाएंगे, हो सकता है ले भी लें, तो ले लेते हैं भाई ये लोग, कोई पता नहीं है, ले लेते हैं, बस पसंद आने की बात होती है। अच्छा अरे कैसा है पहनने में, सही है? सही नहीं, ये वाला की बात कर रहा हूँ, वाला शूज अच्छा है, कम्फर्टेबल है, मेरा अच्छा नहीं लग रहा। और आदिक भाई आपको क्या लगा? कंफर्टेबल है पर उनका साइज अलग है। शूज मंगवाया आदिक भाई ने, मैंने हमने तो ऑफिसर में पूछी के जूते पहने, पूछी के पूछी और गुची ट्राई कर रहे हैं न्यू शूज, तो बोले अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं ले लूँ। और मेरे हेयर्स को इग्नोर करना क्योंकि मैं कब से कैप ही कैप पहना हूँ। शॉप के अंदर आए पेडिनी के अंदर, और पेडिनी ऑथेंटिक्स के साथ तरफ आए, अच्छी शर्ट्स मिल गई है। मैं सोच रहा हूँ ये कज़न्स के लिए ले लूँ, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में अफमान वली सब सारे, तो ये अच्छी लग रही है, सोच रहा हूँ ये ले लूँ एक। और ये नहीं यार, ये अच्छी नहीं लग रही, एक ये ले लूँ क्या? लेकिन ये लोग ये पिंक टाइप पहनते नहीं है भाई, तो मुझे पता भी नहीं। तो सोच रहा हूँ ये ले लूँ, ये थोड़ी अच्छी लग रही है भाई, क्या बोलते हो, ये अच्छी लग रही है थोड़ी सी, इतनी समझ में नहीं आई तो मैं यहाँ पे आ गया भाई। देखो 39 रिंगिट, सही है यार, मुनासिब है।
इतनी सारी सेलेक्ट कर ली है, इतनी सारी सेलेक्ट कर ली है, और थोड़ी देर बाद सेलेक्ट करते हैं भाई कौन में से, इनमें से टोटल 6 या 7 निकालेंगे भाई। ये शर्ट्स ले लिए हम लोगों ने सेलेक्ट करके यहाँ से, और अब हम जाते हैं काउंटर की तरफ, फिर आपको मिलते हैं। शर्ट्स सेलेक्ट करी हैं, अब मैं सोच रहा हूँ एक दो दोस्त के लिए और भी ले लूँ, तो अभी ये लोग सारी पैकिंग करवा रहे भाई। तो हमारी ये शर्ट्स हैं जो हमने सारी ले ली हैं अपने दोस्तों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, गर्ल्स के लिए, सबके लिए ले ली। तो चलो अब इसको रखते हैं और फिर निकलते हैं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय। ओके तेरी माँ का चीज। हेलो वगैरह ले लिए सही भाई, सही है, चले चलो भाई, चलो भाई जा रहे बाहर की तरफ। ओके बाय बाय। ओके बाय। यू आर लाफिंग एट मी, बाय यू आर लाफिंग एट मी, बाय यू आर लाफिंग, आई एम सो फनी, ओ थैंक यू, बोलिए यू लुक सो हैंडसम, मैंने कहा या थैंक यू। फाइनली शॉपिंग कर ली है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे पूरी एक तरह से पोर्ट ग्रैंड वाली फीलिंग आ रही है, स्ट्रीट लगी हुई है पूरी, और आप इस स्टॉल से जो खाने खाते जाओ, एक तरह से रिफ्रेशमेंट पे ना स्नैक्स टाइप। हमने ऑर्डर किया है, हम देखते हैं क्या कितना टाइम लगता है, वैसे अभी टाइम हो रहा है 3:04 हो रहा है। अभी खाना आता है तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मंगवाया भाई। फाइनली आ चुका है हमारा मेन्यू, क्या क्या आती है, क्या क्या रोस्ट है, कोल्ड ड्रिंक है, और पता नहीं क्या क्या। आप लोग देख सकते हैं फाइनली खाना वाना खा के फारिग हो गए, अब हम लोग जा रहे हैं और एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ केबल कार की तरफ। भाई हम लोग अब जा रहे हैं केबल कार में, आप देखो भाई क्या बारिश हो रही है, और हम लोग जा रहे हैं केबल कार के अंदर, तो अभी तो मज़ा आने वाला है, फुल ठंडा गोरी है बेहतरीन, और गलत चीज़ बोला था कितनी सर्दी हो रही है, फॉग हो रही है बिल्कुल, सामने का कुछ नजर नहीं आ रहा, फुल धुंधला हो चुका है, थोड़ा नजर आने लग गया है, धुंध खत्म होती रही है और बारिश हो रही है बहुत तेज भाई, बहुत मजा आ रहा है, एडवेंचर कर रहे हैं हम लोग न्यू। मेरे कान बिल्कुल बंद हो चुके हैं क्योंकि हम थोड़ी ऊंचाई पे आ गए, तो इस तरह हमारे कान बंद हो गए भाई। अभी हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, हम लोग आए थे बाय कार, बाय रोड आए थे हम लोग इधर, और हमने अपने ड्राइवर को बोला कि हम लोग अब आपको चेयर लिफ्ट से डायरेक्ट उधर मिलेंगे एग्जिट पॉइंट पे। अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, और अभी हमारे कार ड्राइवर शायद आ गए होंगे, तो अभी हम लोग बस वहीं तक पहुंच रहे हैं। नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसी तरह फॉग भी खत्म होती जा रही है और व्यू क्लियर हो रहा है। Baby, the fine print, I've got baggage and it's all Gucci, don't get too attached to me. Everybody act like the answer, one love like in the movies, wasting. स्टेशन आ गया है, ये हमारी केबल कार, बस हम लोग पहुंचने वाले हैं, इन 10 सेकंड हम लोग पहुंच जाएंगे। चलो भाई फाइनली इजीली उतर गए हम लोग, मेरे कान अभी भी बंद हैं इसलिए मुझे खुद को भी आवाज़ नहीं आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। The fine print, I've got baggage and it's all Gucci, don't get too attached to me. Everybody act like the answer, one love like in the movies, wasting precious time assuming. चलो यार इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा, अगर व्लॉग पसंद आए तो लाजमी बताना कमेंट में, बाकी ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़, एंजॉय करो।